दोस्तों हमारे टीवी इंडस्ट्री में आजकल बाल कलाकारों को काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। जैसा कि आपने देखा होगा कि हर एक सीरियल में बाल कलाकार जरूर होता है जो सीरियल की कहानी को काफी रोमांचक बनाता है, लेकिन देखते देखते वही कलाकार इतने बड़े हो जाते हैं जिन्हें हम पहली नजर में पहचान ही नहीं पाते। ऐसे में आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे कलाकारों के बारे में बताएंगे जिन्होंने कलर्स टीवी के पॉपुलर शो में काम किया है और समय के साथ साथ वो काफी बदल चुके हैं। अगर आप भी इनसे मिलना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें और साथ ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नंबर 7, अविका गौर। बालिका वधू से अपने करियर की शुरुआत करने वाली चाइल्ड एक्ट्रेस अविका गौर आज 22 साल की हो चुकी हैं और आज अविका गौर यानी कि बालिका वधू की आनंदी पहले से काफी खूबसूरत और ग्लैमरस नजर आती हैं। इन्होंने सीरियल के साथ साथ तेलुगु सिनेमा में भी अपनी एक अलग पहचान बना ली है। आज अविका गौर साउथ इंडस्ट्री का एक जाना माना नाम बन गई है। नंबर 6, धृति भाटिया। सबसे पहले बात करते हैं साल 2008 में आए सीरियल जय श्री कृष्णा के बारे में। इसमें कृष्णा के किरदार में जो बच्चा नजर आया था असल में एक लड़की है। इस एक्ट्रेस का नाम है धृति भाटिया जो आज बहुत बड़ी हो चुकी हैं और दिखने में बेहद खूबसूरत लगती हैं। धृति की उम्र 16 साल की हो गई है और आज ये दिखने में उतनी ही प्यारी लगती हैं जितना ये कृष्णा के रोल में लगती थी। इस शो में इनकी एक्टिंग को दर्शकों ने काफी पसंद किया था और इनके नटखट और चुलबुले अंदाज को दर्शकों ने खूब प्यार किया था। नंबर 5, जन्नत जुबैर रहमानी। अब बात करते हैं कलर्स चैनल के फुलवा से चाइल्ड एक्ट्रेस डेब्यू करने वाली जन्नत जुबैर रहमानी आज 18 साल की हो गई हैं और दिखने में बेहद ही ग्लैमरस नजर आती हैं। इन्होंने इस शो के बाद तू आशिकी और महाराणा प्रताप जैसे कई सीरियल्स में काम किया है। आज जन्नत जुबैर रहमानी टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस के साथ साथ ये टिकटॉक स्टार भी बन गई है। नंबर 4, इशिता पांचाल। दोस्तों बात करते हैं इशिता पांचाल की जिन्होंने कलर्स टीवी के पॉपुलर शो उत्तरन में छोटी तपस्या का किरदार निभाया था जिसे दर्शकों द्वारा काफी पसंद किया गया था। आज इनकी उम्र 21 साल की हो गई है और पहले से काफी ज्यादा अलग नजर आती हैं। आज इनकी खूबसूरती को देखकर आप भी पहली नजर में पहचान नहीं पाएंगे। नंबर 3, स्पर्श खान चंदानी। अब बात करते हैं इसी सीरियल में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम करने वाली एक्ट्रेस खान चंदानी के बारे में जिन्होंने सीरियल में इच्छा का कैरेक्टर निभाया था। आज स्पर्श 19 साल की हो गई हैं और पहले से काफी ज्यादा खूबसूरत हो गई हैं। स्पर्श को साल 2010 में इंडियन टेलीविजन की तरफ से यंग अचीवमेंट भी मिल चुका है। दोस्तों आपको बता दें कि उन्होंने हॉलीवुड फिल्म मीना द हाफ स्काई में भी काम किया है और इन्हें आखिरी बार विक्रम बैताल में देखा गया था। नंबर 2, स्पंदन चतुर्वेदी। वही बात करें स्पंदन चतुर्वेदी की तो साल 2015 में इनका शो उड़ान आया था जिसमें इन्होंने छोटी चकोर का किरदार निभाकर अपने करियर की शुरुआत की थी। स्पंदन चतुर्वेदी ने सिर्फ 12 साल की उम्र में चकोर के कैरेक्टर को काफी अच्छे से निभाया था और दर्शकों से खूब तारीफें हासिल की थी। आपको बता दें कि स्पंदन चतुर्वेदी आज पहले से काफी खूबसूरत और प्यारी नजर आती हैं। अगर बात करें इनके फिल्मी करियर की तो ये 2020 में शकुंतला देवी और 2021 में एसएस राजामौली की आने वाली फिल्म आरआरआर में भी नजर आएंगी। नंबर 1, अशनूर कौर। दोस्तों आपने अशनूर कौर को 2012 के शो न बोले तुम न मैंने कुछ कहा में जरूर देखा होगा। उनका प्यारा सा और बबली सा अंदाज हर किसी को काफी पसंद आया था जिसकी वजह से इन्होंने काफी पॉपुलैरिटी हासिल कर ली है। इस शो में इनका कैरेक्टर नविका व्यास का था। आज अशनूर कौर काफी बदल चुकी हैं। ये आज 18 साल की हो गई हैं और पहले से बेहद स्टाइलिश और गॉर्जियस नजर आती हैं। वर्तमान में ये पटियाला बेब सीरियल में काम कर रही हैं। तो दोस्तों आपको इन कलाकारों में से किसका बदला हुआ अवतार सबसे ज्यादा पसंद आया आप हमें उनका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही टीवी जगत से जुड़ी ऐसी मसालेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।